इस लेक्चर में हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में, इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इमेज में आप देख रहे हो, ड्रैगन फ्रूट है, खाने वाला फल होता है, जैसे आप एप्पल को खाते हो, ये खाने वाला फल है, खाया भी होगा आपने फ्रूट। जून 2021 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया फर्स्ट कंसाइनमेंट, मतलब पहली बार ये फ्रूट एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, बेचा किसको, दुबई में बेचा, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से दुबई में बेचा। और दुबई है यूनाइटेड अरब अमीरात में, एक जगह है दुबई। ये है भाई साहब वर्ल्ड मैप, और ये है भाई साहब अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला, और यहाँ सऊदी अरबिया, और उसके पास है ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट किया, इसलिए ये न्यूज़ में आया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसी मिट्टी में ये होता है। देखो ड्रैगन फ्रूट क्या है, इसका साइंटिफिक नाम है हाइलोसीरियस अनडेटस। याद ना भी रहे तो कोई इम्पोर्टेंट इसकी नहीं है, ऐसी इम्पोर्टेंस जरूरी नहीं है, पर एक बार बस देख लो। ये अमेरिका का इंडिजीनस फ्रूट है, अमेरिका का इंडिजीनस का मतलब ये है वहाँ का मूल निवासी है, मतलब वहीं पे पहले होता था, उसके बाद ये इंडिया में लाया गया, फिर इंडिया में भी उगाने लगे इसे। और ये कैक्टी फैमिली से बिलीव करता है, मतलब बिलोंग करता है, कैक्टी फैमिली से बिलोंग करता है, ये संबंध रखता है, उसकी फैमिली का कैक्टी फैमिली नाम है। और इसे और नामों से भी जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, जैसे पिताया, पिताहया, स्ट्रॉबेरी पियर, नोबल वूमन, क्वीन ऑफ नाइट, पूरे वर्ल्ड में इन नामों से भी जाना जाता है। और इंडिया में इसे कमालम भी बोलते हैं, कमालम। तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ये हार्डी और ग्रोज है, किसमें, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होता है, और हार्डी है ये, थोड़ा वेरिड सॉइल में होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉइल में हो सकता है ये, लेकिन वहाँ पे अधिकतर होता है ये जहाँ पे सेमी एरिड और एरिड रीजन होता है। कहने का मतलब ये, जहाँ पे बारिश कम होती है ऐसे इलाकों में ये होता है, और ये स्लाइटली एसिडिक सॉइल को प्रेफर करता है, मतलब जो थोड़ी अम्लीय मिट्टी होती है ना, मृदा, एसिडिक सॉइल जिसमें एसिड होता है, उसमें होता है। और ये साल्ट को भी टॉलरेट कर सकता है, जो नमक हो, मिट्टी में नमक रहता है ना, बहुत सी मिट्टी नमकीन होती है, उस मिट्टी को भी टॉलरेट कर सकता है, उसमें उग सकता है अच्छे से। जो इसमें फूल लगते हैं और इसमें फल लगते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है ड्रैगन फ्रूट में, वो मानसून सीजन में स्टार्ट हो जाती है, जैसे अभी चल रहा है मानसून सीजन, जून से नवंबर तक ये रहेगा, सेप्टेम्बर तक लगभग। तो इसमें इसके फल लगते हैं और इसमें फ्लावर लगते हैं। इसके और क्या क्या फीचर है, देखो ये फ्लावर जो इसमें फूल आते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक साथ फ्लोर में एक साथ होते हैं, और ये ओपन होते हैं नाइट में, नाइट में ओपन होते हैं ये, भाई साहब रिप्रोडक्शन करते हैं ना मेल फीमेल के जरिए। ये प्लांट है जो 20 ईयर तक क्या है, फल देता है, 20 सालों तक एक प्लांट फल दे सकता है। इसमें न्यूट्रास्यूटल सूटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब मेडिसिनल इफेक्ट भी होते हैं, दवाइयाँ भी बना जाती हैं इससे, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, और प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी इसे यूज किया जाता है। और इसमें बहुत सारे वाइटमिन्स, मतलब विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं इसमें बहुत अच्छे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है खाने के लिए भी। इंडिया में पॉपुलरिटी क्या है इसकी, देखो इंडिया में ये 1990s में इंट्रोड्यूस किया गया, होम गार्डन्स वगैरह में पहली बार, और इसकी लो मेंटेनेंस और हाई प्रोडक्टिविटी के कारण, मतलब इसकी मेंटेनेंस जो कॉस्ट है कम आती है, इसे मेंटेन नहीं करना पड़ता, एक बार लगा दिया फिर इसे कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा, लाभ ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या है, इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया, बहुत सारी फार्मिंग कम्युनिटी ने अट्रैक्ट हुई है इसकी तरफ और उगाने लगे हैं इसको, फ्रूट को। ये जो है क्या, कौन कौन से रीजन में उगाया जाता है, अभी कल्टीवेट किया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, अंडमान निकोबार, और भी कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें उगाया जाता है ये, हमारे इंडिया में। हमारी कंट्री लगभग हर साल 12,000 टन ड्रैगन फ्रूट प्रोड्यूस करती है, 12,000 टन प्रोड्यूस करती है। इसके लेकिन कुछ इशू हैं, परेशानियां हैं। क्या परेशानी है, एक तो हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, देखो मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम होती है इसकी, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में ज़्यादा लगती है। एक फार्मर को अगर मान लो 1 एकड़ में उगाना है ड्रैगन फ्रूट, तो कम से कम 3.5 लाख का खर्चा आ जाता है भाई साहब स्टार्टिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाने में, क्योंकि भाई साहब ये ड्रैगन फ्रूट है ना, क्लाइंबर है, क्लाइंबर होते हैं चढ़ने वाले, जो बेल वगैरह पौधे होते हैं ऐसे, ये बेल की तरह क्लाइंबर है, दूसरे पेड़ पे चढ़ता है, या तो पेड़ लगाओ आप, या कुछ खंबे वगैरह गाड़ो, जैसे बिजली के पोल होते हैं ना ऐसे खंबे गाड़ देते हैं, देखो जैसे ऐसे ये खंबे गाड़ रखे हैं कंक्रीट के बने हुए, ये खंबे भाई साहब पेड़ की, ये कोई तना नहीं है, स्टेम नहीं है पेड़ की, तो हल्की सी ये जड़ दिखाई दे रही है ना, ये है, ये चढ़ रही है इस खंबे पे, तो ये पहले खेत में लगाने पड़ते हैं, तो ये खर्चा आता है भाई साहब इनमें। और फिर जब ये लगाने पड़ते हैं तो इनके लिए ड्रिप इरीगेशन भी चाहिए, ड्रिप इरीगेशन होती है भाई साहब ऐसी, ऐसे पाइप लगा देते हैं, और ऐसे पाइप लगा देते हैं कि पेड़ की जड़ में ही पानी जाए। अब देखो ये बाकी का यहाँ बो रखा है ये,
तो सारे खेत में पानी लगाना तो वेस्ट होगा ना सारा पानी, तो इसमें क्या करते हैं इसकी जड़ों में ही पानी आए, तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन करनी पड़ती है, ऐसे लगाने पड़ते हैं पाइप वगैरह। तो इनमें खर्चा बहुत आता है, हाई इसकी इनपुट कॉस्ट है। नेक्स्ट क्या है, इश्यू ऑफ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में इशू क्या है, जब इसका फल लगता है तो इस फल को ना सन बर्न हो जाता है, सन बर्न जैसे आपकी स्किन धूप में जल जाती है ना ऐसे ही फल जल जाता है अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो। तो इसके लिए क्या है, ऐसे बड़े बड़े पास में पेड़ लगाने पड़ते हैं जो छाया दें, शेड दें, या फिर ऐसे पेड़ लगा सकते हो ये छाया देते हैं, जैसे मोरिंगा, सजबानिया, मेलिया, ये पेड़ों के नाम है, ये पेड़ लगा सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल शेड नेट लगा सकते हो, ऊपर आपने जाल लगा दिया कोई, जिससे क्या है धूप जब ज़्यादा हो तो इनको छाया मिले। तो समर सीज़न के मंथ में, समर मंथ जो आता है, तो इसमें खर्चा तो आएगा ना भाई साहब, नेट लगाओगे या दूसरे पेड़ लगाओगे, तो इसलिए एक इशू ये भी है। कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, ड्रैगन फ्रूट को। देखो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने प्रमोट करने के लिए ड्रैगन फ्रूट के लिए इनिशिएटिव लिया है, गुड क्वालिटी का हमारे यहाँ पे प्लांटिंग हो, और गवर्नमेंट सब्सिडी देती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसानों को, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये एक मिशन है, इसके अंदर सब्सिडी देती है जो ये मिशन है ना, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। स्पॉन्सर स्कीम ऐसी होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती हैं और दोनों इंप्लीमेंट करती हैं। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सारा एक्सपेंडिचर खर्चा उठाती है और इम्प्लीमेंट भी वही करती है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। और ये हॉर्टिकल्चर के लिए है, हॉर्टिकल्चर में क्या कहते हैं, वेजिटेबल, फल सब्जियां वगैरह, फ्रूट वेजिटेबल, रूट या ट्यूबर क्रॉप होती हैं, जैसे आलू वगैरह हो गए, मशरूम हो गया आपका, स्पाइसेस, फ्लोर, जो स्पाइसेस का मतलब मसाले जो होते हैं, जैसे आपका मिर्च वगैरह हो गए, ये सब किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आते हैं। या एरोमेटिक प्लांट हो गए, फूल वाले प्लांट हो गए, सुगंध आती है जिनसे, एरोमेटिक का मतलब, कोकोनट हो गया आपका, आपका जो नारियल का पेड़ है वो लगाना, कैशू, काजू, कोकोआ, या आपका बम्बू का पेड़ हो गया, बांस का, ये सब किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2014-15 से। तो यही था इस लेक्चर में।